लेबर डे के मौके पर पेरिस में निकाली गई रैली में प्रदर्शनकारी और पुलिस की मामूली झड़प हुई। रैली रिपब्लिक स्क्वायर से नेशन स्क्वायर तक निकाली गई। फ्रांस में 7 मई को राष्ट्रपति चुनाव का दूसरा चरण होना है, जिसे देखते हुए रैली में कई राजनीतिक बैनर भी दिखे। वहीं कई और दूसरे देशों में लेबर डे रैली में लोगों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हुई। कल नॉर्थ कोरिया में भी लेबर डे मनाया गया। इस मौके पर प्योंगयांग इलेक्ट्रिक केबल फैक्ट्री के कर्मचारियों के लिए कई तरह के खेल के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। अमेरिका के डलास में एक इमरजेंसी कॉल पर गए फायर फाइटर को गोली मार दी गई। घायल फायर फाइटर को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उसकी हालत अभी गंभीर बनी हुई है। गोली मारने वाले शख्स की तलाश जारी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नॉर्थ कोरिया के लीडर किम से मिलने की इच्छा जाहिर करने के बयान पर व्हाइट हाउस ने सफाई दी है। व्हाइट हाउस प्रवक्ता का कहना है कि ट्रंप से मिलने से पहले किम को बहुत सारी कंडीशंस माननी होंगी, जिसमें से अमेरिका को भड़काना बंद करना सबसे पहला है। अमेरिका के मिसौरी में बाढ़ से हालात बेहद खराब हो गए हैं। यहां तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 100 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया है। बाढ़ ने कई साल का रिकॉर्ड तोड़ा है, जिसने कई घरों के साथ ही फसलों को भी बर्बाद कर दिया है। इराक में मोसुल पर कब्जे की लड़ाई में पुलिस अधिकारी और सेना का कहना है कि वो मई महीने में पूरे मोसुल पर कब्जा कर लेंगे। फिलहाल लड़ाई पुराने मोसुल शहर में चल रही है, जहां पर तंग गलियां होने की वजह से सेना को ऑपरेशन में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर पूर्वी दमिश्क में सेना की बमबारी का वीडियो जारी किया गया है। वीडियो में बमबारी के बाद घायल लोगों को एक गाड़ी में बैठाते देखा जा सकता है। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स का कहना है कि इस बमबारी में 12 लोगों की मौत हुई है और कई लोग घायल हुए हैं। दक्षिण कोरिया के जियाओजे में क्रेन गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई और 20 लोग घायल हो गए, जिसमें से 6 की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसा दिन में करीब 3 बजे हुआ। हादसे की शिकार क्रेन सैमसंग कंपनी की बताई जा रही है। चीन के चोयांग प्रांत में एक होटल की पार्किंग में खड़ी बसों में अचानक आग लग गई। सूचना मिलते ही मौके पर 50 फायर फाइटर गाड़ियों को भेजा गया, जिससे आग को वक्त रहते काबू कर लिया गया। आग से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग लगने की वजहों का पता लगाया जा रहा है। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने अमेरिकी सरकार के लिए कल अपना पहला टॉप सीक्रेट मिशन पूरा किया। केनेडी स्पेस सेंटर से फैल्कन 9 रॉकेट को छोड़ा गया, जो स्पेस में सैटेलाइट को छोड़कर वापस केप कैनेवल एयरफोर्स स्टेशन पर लौट आया। एलन मस्क की कंपनी फिर से इस्तेमाल किए जाने वाले रॉकेट बना रही है।